नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSC ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज के आप लोग के इस पेपर में आज हम RRB NTPC के 28 मार्च 2016 का सिर्फ सेकंड का यहाँ पर रीजनिंग का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, वैसे मैंने पूरा पेपर आप लोग को सॉल्व करवा दिया ऑलरेडी, लेकिन आप लोग की चॉइस थी, यहाँ पर आप लोग की रिकमेंडेशन थी कि यहाँ पर मैथ्स का, रीजनिंग का और सामान्य अध्ययन का दोस्तों पेपर इसका अलग अलग सॉल्व किया जाए। तो आज हम इस पेपर से यहाँ पर पूरी रीजनिंग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के अपने इस वीडियो को, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ये दिया गया है, कंपनी के कार के 3 मॉडल्स आपको दिए गए हैं, 1, 2, 3, और उनकी बिक्री के आंकड़े आपको दिए गए हैं, मॉडल फर्स्ट, मॉडल सेकंड और मॉडल थर्ड। ठीक है, ये आपको दिए गए, इससे रिलेटेड आप लोग को नीचे यहाँ पर प्राइस रखें कितनी बिक्री, जैसे कि 19,000 की बिक्री, 41,300 की बिक्री, ये आप लोग को आंकड़े दे रखे हैं। अब इसका यूज़ करके आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है कि किस अवधि में जो है कार की कुल बिक्री 1 लाख से अधिक रही है। दोस्तों वो कौन सा वर्ष है जिसमें कार की बिक्री जो है 1 वर्ष से जो है 1 लाख से ज़्यादा रही है। तो 5 तरीके के आप लोग को दे रखे हैं यहाँ पर, इन सबको जोड़ेंगे कभी भी 1 लाख नहीं होगा, इनको भी आप लोग ऐड करेंगे 1 लाख नहीं होगा। सीधे आप लोग देखिए यहाँ पर 91,000 लिखा है, 16,000, 10,000, इनको जब आप लोग ऐड करेंगे तो आप लोग का 1 लाख से ऑलरेडी ज़्यादा ही आएगा। तो ये वर्ष आप लोग का 2011 से 2015 के बीच में, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें से निश्चित रूप से कौन सा गलत है। जैसे कि गलत आप लोग को लगता है कंपनी को जो है मॉडल 2 से परेशानी है, कंपनी को जो है मॉडल 2 से परेशानी है, अगर परेशानियां हैं तो दोस्तों यहां पर जो है बेर कभी कम होता कभी बढ़। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र जो है वो दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आप लोग जानते हैं 24 छात्र जो है वो आपके दूध पीते हैं, 28 छात्र ऐसे जो कि चाय पीते हैं और 8 छात्र ऐसे जो कि कुछ भी नहीं पीते हैं, 8 छात्र ऐसे जो कि कुछ भी नहीं पीते, यानी कि 54 में से 8 लोग तो आप लोग ऐसे ही कम कर दीजिए। तो 54 में से जब दोस्तों आप लोग का 8 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का बच जाएगा 6 और 4, 46 आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए, 8 4 आप लोग का 12 आ जाएगा, 2 2 4 52 आ गया। दोस्तों जब यहाँ पर बात कर रहे हैं दूध और चाय पीने वाले लोग 52 आ रहे हैं, वैसे आप लोग के इसमें से 8 लोग तो कुछ नहीं पीते हैं और वैसे 46 लोग हैं, तो इनमें से कॉमन कितने लोग हैं आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखिए 4 2 6 6 लोग दोस्तों ऐसे जो कि कॉमन है इसमें से आप लोग के, जो कि आप लोग के चाय और दूध दोनों ही पीते हैं, इसलिए इसका आंसर आप लोग का बी वाला आ जाएगा, 6। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन, चिन्हों के सही सेट का चयन कीजिए। यहाँ पर 34, 16, 4 और 12 दे रखा है, आपको यहाँ पर बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, हम लोग डी ऑप्शन लेते हैं सबसे पहले। आपको दिया गया 34, 16, 4 और 12। अब इसमें साइन देखिए, पहले लगाना आपको प्लस, इसमें दोस्तों आपको करना है डिवाइड और इसमें करना है माइनस। तो सबसे पहले दोस्तों डिवीजन करेंगे, तो 4 और 16 इसको डिवाइड करेंगे 16 को 4 से, तो इसकी जगह पे आप लोग आ जाएगा 4 चौक 16, 4 बचेगा, इस पूरे ब्लॉक की जगह आपका 4 बचेगा, 34 और 4 यहाँ पर आप लोग का 38 आ जाएगा, 38 में से 12 आप लोग घटाएंगे तो 26 आपका आ जाएगा। तो यानी दोस्तों आप लोग का देख सकते हैं डी वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, 1 घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है। ठीक है, 2 घंटे में 210 मिनट बढ़ जाएगी, 3 घंटे में आप लोग की यहाँ पर 15 मिनट, इस तरीके से बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दोपहर 12 बजे घड़ी सेट की गई, मतलब 12 बजे घड़ी बिल्कुल सही है, लेकिन 1 बजेगा तो दोस्तों वो 1:05 दिखाएगी, 2 बजेगा तो 2:10 यहाँ पर 10 मिनट दिखाएगी। अगर घड़ी में दोस्तों शाम के 6:30 दिखाई दे रहा है तो वास्तविक समय कितना होगा आपको ये बताना है। देखिए 12 से लेकर 6 तक कितने घंटे दोस्तों हो गए आप लोग के, यहाँ पर 6 घंटे हो गए। अब हर 1 घंटे में 5 मिनट आगे बढ़ रही है, तो 6 घंटे में कितना आगे बढ़ जाएगी, 5 छक्का 30, 30 मिनट आगे बढ़ जाएगी, जो कि बढ़ चुकी है 6:30। अगर 6:30 बज रहा है उस घड़ी में तो वास्तविक समय कितना होगा, 6 हो रहा होगा, शाम का 6 बज रहा होगा। तो शाम के 6 बजे दोस्तों वो घड़ी जो है 6:30 का टाइम शो करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, रमेश से दिनेश बड़ा है। ठीक है, रमेश से जो है वो दिनेश बड़ा है, दिनेश ऊपर लिख लिया रमेश से, दिनेश से बोमन छोटा है। अब दिनेश से जो है बोमन छोटा है, लेकिन यहाँ पर ये बोमन और रमेश इन दोनों में कोई बीच में रिलेशन दिया नहीं है, और जब इन दोनों के आंकड़े नहीं दे रखे हैं तो आप लोग बता ही नहीं सकते कौन छोटा है, या फिर ये छोटा हो सकता है तो ये छोटा हो सकता है, पता ही नहीं है, दिनेश से दोनों छोटे हैं। तो इसलिए हम लोग उससे इसके आंसर का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि ये आधा अधूरा प्रश्न है, अभी इसमें आंकड़ों की जरूरत है, क्योंकि इसमें आंकड़े अपर्याप्त दिए गए हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग का घड़ी चैप्टर से लिया गया है। यदि घड़ी में 10 बज रहा हो तो घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं जैसे कि 12 से लेकर अगर 1 तक कोई भी घड़ी की सुई जाती है तो इसके बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। क्यों होता है, देखिए कोई भी व्रत जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, कोई भी व्रत जो है एक व्रत 360 डिग्री का होता है। अब घड़ी के बाद उसमें 12 जो है आप लोग के यहाँ पर टाइम के लिए दोस्तों लिखा होता है, ठीक है। हर घड़ी में दोस्तों 12 घंटे आपको दिए होते हैं, 12 एक दो तीन चार पाँच छः इस तरीके से 11 तक। तो जब आप लोग उसको डिवाइड करोगे तो आप लोग का 30 आ जाएगा, यानी कि हर जैसे कि 12 से 1 के बीच 30 सेकंड, फिर 2 से 30 डिग्री इस तरीके से दोस्तों हर दो नंबर के बीच में जो है 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो 10 बज रहा है तो दोस्तों अगर यदि 10 बज रहा है तो 10 11 12 यानी कि दोस्तों यहाँ पर कितने दोस्तों अंतर होगा ये आपको बताना। तो देखिए 30 सेकेंड, 30 डिग्री का अंतर, ये 30 डिग्री का है, 30 और 30 मिलाकर 60 अंश आप लोग का आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच में जो है यहाँ पर 60 अंश का जो है कोण बनेगा, तो सी वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आपको एक चार्ट दे रखा है, चार्ट से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको वही बताना है। देखिए यहाँ पर एक तरफ दिवस दे रखे हैं, उधर ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई, जैसे कि रविवार को 142 लोगों की ट्रेन दुर्घटना में मौत हो गई, सोमवार को 173 लोगों की ट्रेन दुर्घटना में मौत हो गई। तो ये आपको दिया गया है। अब देखिए क्या दिया गया, ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु रिकॉर्ड सप्ताह के किस दिन सबसे ज़्यादा हुआ है। सबसे ज़्यादा दोस्तों किस दिन हुआ है, दोस्तों 20, ये है शुक्रवार का दिन, शुक्रवार को सबसे ज़्यादा ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हुई है, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का शुक्रवार, यानी कि डी वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड ही है आपका, सप्ताह में प्रतिदिन की औसत मृत्यु दर क्या है। प्रतिदिन की औसत मृत्यु दर आपको बतानी है, कुछ नहीं करना है, इन सबको जोड़िए आप लोग, 142, 173, 165, 124 प्लस 198 प्लस 220 प्लस 189। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल जो भी इनका योगफल आएगा इसको आप लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 173, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग का देखिए 173 ये रखा है, बी वाला ऑप्शन आप लोग का जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी से रिलेटेड ही है आप लोग के एग्जाम में, जैसे क्या है यहाँ पर, जिस दिन सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है और जिस दिन सबसे न्यूनतम मृत्यु हुई है इनके बीच में अंतर कितना होता है। देखिए सबसे ज़्यादा हुई है यहाँ पर 220 शुक्रवार को, सबसे कम हुई बुधवार को 124, इन दोनों के बीच अंतर कितने का, यानी कि 220 और 124 के बीच का अंतर आपको जो है दोस्तों बताना है। तो ये आप लोग का 4 लिखा है, ठीक है, ये आप लोग का 2 लिखा है, तो यहाँ पर आप लोग का 96 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आप लोग का आंसर इसमें जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें अगला क्वेश्चन रीजनिंग में दे रखा है, पता लगाइए कि इनमें से कौन सा समूह में जो है समूह का नहीं, जैसे कि वृत्त, वर्ग, आयताकार, त्रिभुज, अष्टकोण। अब देखिए वर्ग में आप लोग की 4 भुजाएं होती हैं, आयताकार में भी 4 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, अष्टकोण में दोस्तों आप लोग की 8 भुजाएं होती हैं, वृत्त में कितनी भुजाएं होती हैं, व्रत में दोस्तों भुजाएं नहीं, तो व्रत टोटली जो आप लोग का जो है क्लोज फिगर होता है, इसलिए सबसे अलग आप लोग का इसमें व्रत है, तो बी वाला ऑप्शन जो है आप लोग का इसका करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया कि 50 व्यक्तियों के ऑफिस है जिसमें 18 लोग जो है दाएं हाथ से लिख सकते हैं, 18 लोग दोस्तों जो है वो आप लोग के दाएं हाथ से लिख सकते हैं, ठीक है, 26 लोग दोस्तों ऐसे जो कि अपने बाएं हाथ से लिख सकते हैं, 2 अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं, इसको जोड़ दीजिए पहले तो आप लोग 4, तो आप लोग का यहाँ पर 44 आ गया। अब 2 लोग दोस्तों ऐसे हैं जो कि कॉमन यानी कि दोनों ही हाथों से लिख सकते हैं, तो 2 इसमें से घटा देंगे तो हमारा 42 लोग बचेंगे। तो 42 लोग दोस्तों ऐसे हैं जो कि आप लोग का दाएं या फिर बाएं हाथ से लिखते हैं, टोटल लोग 50 हैं, 42 लोग कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि लिख नहीं सकते, तो 50 में से अगर आप लोग 42 घटा देंगे तो आप लोग का यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑफ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8 आएगा, 8 लोग ऐसे जो कि लिख नहीं सकते। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया, एक विद्यालय में 1200 छात्रों के लिए उनके आगमन के बहानों के बारे में पूछा गया है, तो प्राप्त सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है। तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि छात्र जो है कार द्वारा विद्यालय से आते हैं, कितने छात्र ऐसे जो कि कार से विद्यालय आते हैं। तो देखिए कार वाले कितना डिग्री है, कार वाले का 150 डिग्री है, 1200 छात्र हैं। देखिए एक सर्कल जो है 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री का मान यहाँ पर 1200 दे रखा है और आपको निकालना है यहाँ पर सिर्फ 150 डिग्री का मान। तो 150 डिग्री का मान निकालें, देखिए हमने क्या किया, 0 से 0 इसको काट दिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे या फिर आप लोग इसको जो है 6 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने इसको मान लिया 6 से डिवाइड कर दिया, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, हमारा इधर 20 आ गया, इधर हमारा 6 आ गया, ओके।
अभी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको टू से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, ठीक है, 2 10 20, यानी कि 3 3 डिग्री बराबर आप लोग का 10 आ गया, यानी कि 3 बराबर आप लोग का 10 आ गया। अब 50 से मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 50 से मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो इधर आप लोग का 150 बन जाएगा। तो 150 डिग्री का मान जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 10 5 10, और ये है 50, तो 10 और 500, मतलब 10 और 50 मिलकर आप लोग का हो जाएगा 500। 10 की मल्टीप्लाई आप लोग 50 से करेंगे तो आप लोग का 500 आ जाएगा, यानी कि 150 अंश का मान है यहाँ पर 500। तो 500 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि आप लोग के कार के द्वारा सफ़र करते हैं। तो दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन आप लोग को पहले ही बताते, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो आपके गलत दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने जब आपको जब पूरा पेपर इसका सॉल्व करवाया था तो मैंने बताया था जैसे कि ये मौसेरे भाई होंगे ना कि चचेरे भाई, जैसे कि आपको दिया गया एक्स और बाई बहने हैं, तो एक्स और बाई ये दोनों बहने बहने हैं, ठीक है, एक ही माता बाई है। तो दोस्तों ये जो बाई है जो एक ही माता है, अगर ए इनका पुत्र है तो इनकी माता जो हो गई बाई हो गई। ए का पुत्र सी है, ए का पुत्र नीचे सी हो गया, जिससे कोई मतलब नहीं है, मान लिया सी नीचे हो गया। एक्स का पुत्र बी है, एक्स का पुत्र दोस्तों इनका जो है बी हो गया। निम्न में से कौन सा कथन सही है, ए बी, बी जो है वो ए का चचेरा भाई है। दोस्तों ये जो बी जो है वो ए का चचेरा भाई है, चचेरा भाई हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों बहने हैं, बहने का मतलब दोस्तों इसकी मौसी होगी, मौसी का पुत्र दोस्तों क्या होगा आपका मौसेरा भाई होगा, ना कि चचेरा। फिलहाल इसके सारे ऑप्शन आपको गलत दे रखे हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये मैंने आप लोग के लिए लिया है, इस क्वेश्चन को आप लोग बताएगा, मैं ऑलरेडी इसके 6 का जब मैंने आपका बी और सी पार्ट कंप्लीट कराया था तो 6 के बी पार्ट मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कराया, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, और आप लोगों में से कई लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा तो फिलहाल इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने जो है मैथ्स का पूरा पेपर और इसी तरीके से रीजनिंग का पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि दे रखा है 26 छात्रों की क्लासेस, 14 के पास बिल्ली है, 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं, 5 छात्रों के पास तोते हैं, यानी 4 छात्रों के पास यहाँ पर बिल्लियाँ कुत्ते दोनों, 1 छात्र के पास कुत्ता और तोता दोनों, 3 छात्र के पास जो है तोते और बिल्लियाँ दोनों हैं, तो ऐसे कोई भी नहीं जिनके पास ये तीनों हो। तब दोस्तों ऐसे कितने लोग ऐसे जिनके पास कुछ भी नहीं है, आपको ये निकाल कर बताना इसका आंसर क्या आएगा, ये भी आप लोग याद करके बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया 26 छात्रों की क्लास में सैमुअल जो है सबसे ठिकने में 8वें नंबर पर आती है। 26 छात्रों में दोस्तों वो जो है 8वें नंबर पर आती है। दोस्तों क्या करेंगे, 26 में से पहले आप लोग 8 घटा लेंगे, और यदि क्लास में उसकी तुलना की जाए तो दोस्तों आपको बताना कि कक्षा में जो है सबसे लंबे से उसकी तुलना की जा रही है तो इसकी स्थिति क्या होगी आपको बताना। तो कुछ नहीं करना है, 26 में से आपको 8 घटाकर 1 जोड़ देना है, तो यहाँ पर आप लोग का 18 आ जाएगा, और 1 आप लोग जोड़ लेंगे क्योंकि प्लेस उसका वही रहेगा, तो आपका 19 आंसर आ जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। यही इसकी ट्रिक है, कभी भी आप लोग चाहे लंबा पूछ ले, छोटा पूछ ले, चाहे दाईं ओर से उसका स्थान, चाहे बाईं ओर से, ये जो चैप्टर है ये है क्रम व्यवस्था परीक्षण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 1 आता ही है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको विषम जो है अंक छांटना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के अंतर्गत, जैसे कि 8 दे रखा, 27 50 125 343। देखिए 2 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, आप लोग का 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, यहाँ पर 50 दे रखा है, यही आप लोग का नहीं है, और 5 का क्यूब एक आप लोग का 125 होता है, बाकी सारे क्यूब वाले दे रखे हैं, लेकिन ये 50 आप लोग का नहीं दे रखा है, तो सबसे अलग आप लोग का ये होगा जो कि सीरीज के अंतर्गत नहीं आता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कथन में दिया गया, सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, सभी सशक्त लोग लंबे होते हैं। दोस्तों जितने भी सशक्त लोग हैं वो आपके लंबे होते हैं, अजीत जो है वो सशक्त है। अब दोस्तों आप लोग का अजीत अगर सशक्त है तो क्या होगा, वो सभी सशक्त लंबे होते हैं, तो अजीत भी क्या होगा, लंबा होगा, ठीक है, ओके। अब देखिए अजीत एक खिलाड़ी है, पता नहीं यहाँ पर नहीं दे रखा है, अजीत लंबा है, हाँ अजीत जो है वो सशक्त है इसलिए वो लंबा ज़रूर होगा, तो सीधे आप लोग का बिना पढ़े आंसर आ जाएगा इसका बी वाला, अजीत लंबा है। बाकी अजीत एक लंबा खिलाड़ी है, खिलाड़ी की बात हो ही नहीं रही क्योंकि खिलाड़ी मजबूत हैं, और अजीत जो है वो आप लोग का मजबूत या खिलाड़ी कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ सशक्त दे रखा है, तो सिर्फ बी वाला निष्कर्ष ही निकाला जा सकता है, ओके। अब आप लोग इसमें से जो है अनोखा यानी कि विषम शब्द छाटने, जैसे कि मंदिर, ईंट, महल, घर, तो देखिए मंदिर, महल और ईंट ये तो सभी कॉमन है, लेकिन ईंट सबसे अलग है इसमें, क्योंकि दोस्तों इन सभी में जो है इन सभी को बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, ईंट को बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता नहीं होती है, तो सबसे अलग आप लोग का इसमें जो फैक्टर है वो है आप लोग का ईंट जो है सबसे अलग है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग को जो है चार्ट दे रखा है, एक पाई चार्ट दे रखा है, इसको पढ़कर आप लोग को ध्यानपूर्वक प्रश्नों को उत्तर देने, जैसे कि तबला, वीड़ा, वायला, इनके परसेंटेज दे रखे हैं, तो वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोड क्या होगा, वायलिन, वायलिन दोस्तों यहाँ पर 16% दे रखा है, आप लोग जानते हैं कि 100% जो है सर्किल वो 360 डिग्री के बराबर होगा, तो आप लोग को जो है यहाँ पर
16% की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर देखिए 360 दे रखा है 100% के बराबर, 0 से 0 हम काट देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग का क्या आ जाएगा, 36 दिखा रखा है, तो आप लोग आ जाएगा 2 1 2 2 8 16, तो 5 और 18 हो गए। आपको 16% की वैल्यू बतानी है, तो कुछ नहीं करना 18/5 मल्टीप्लाई में 16 करेंगे, तो आप लोग का यहाँ से पॉइंट में आंसर आ जाएगा, जो कि आप लोग का रहेगा 57.6 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड, देखिए क्या पूछा गया है। यदि कुल 300 छात्र, यानी कि पूरा सर्कल 300 का है, तो तबला बजाने वाले और बीड़ा बजाने वाले के बीच अंतर कितना है। तो देखिए बीड़ा बजाने वाले 30 डिग्री, 30% और ये है 29%, यानी कि 1% की वैल्यू आपको बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पर 100% बराबर 300 लोग है, ठीक है, 100% बराबर जो है 300 लोग है, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, यानी कि 1% बराबर आ जाएगा 3, और आपको 1% की वैल्यू बतानी है, तो ये आप लोग का जो है 3 आ जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया, जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वाले से कितना है। तो गिटार बजाने वाले 25% और वायलिन बजाने वाले 16%, इनका अनुपात निकालना, 25/16 सीधे आ जाएगा आपका आंसर सी वाला। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, यदि दोस्तों इन दिनों कॉलेज की शिक्षा जो है बहुत खर्चीली होती जा रही है, और कॉलेज की शिक्षा जो है कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए, तो ये तो आपको वितरण दे रखा है। निष्कर्ष देखिए, कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता, ऐसा नहीं है, कॉलेज जाने की क्षमता सभी में होती है, योग्यता भी होती है, गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक पहुँच होनी चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर ना तो गरीबों की बात है ना कुछ, बस इतना बताया कि कॉलेज का जो है यहाँ पर सिस्टम जो है शिक्षा का बहुत ही खर्चीला हो चुका है, और कुछ लोगों तक ही सीमित रह गया, जो कि तो फिलहाल यहाँ पर जो निष्कर्ष दे रखे हैं दोनों ही नहीं निकलते हैं, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ से डी वाला हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही अनुगमन नहीं करते हैं। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन रखा है, यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाए तो 40 दिन में एक किताब पढ़ी जा सकती है। अगर 7 पन्ने दोस्तों रोज़ पढ़े तो एक किताब को 40 दिन में आप लोग पढ़ सकते हैं। यदि दोस्तों पुस्तक के 8 दिन में अगर आपको पूरी करनी हो, तो प्रत्येक दिन में कितने पन्ने पढ़ने होंगे आपको बताना। तो 8 5 40, 7 5 35, तो इसका आंसर आप लोग का जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 35 पेजेस जो है रोज़ पढ़ने पड़ेंगे, इस प्रकार बुक आप लोग की 8 दिन में पूरी हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है, मनोज व हारिस जो है वो तबला बजाते हैं, केतन व हारिस जो है वो ड्रम बजाते हैं, मनोज और जैकब ये बांसुरी बजाते हैं, जैकब और केतन वायलिन बजाते हैं, इनमें से दो दो वाद्य यंत्र कौन बजा सकते हैं। जैसे कि मनोज की बात करें तो मनोज आप लोग का तबला भी बजा लेता है और मनोज आपका बांसुरी बजा लेता है, हारिस की बात करें तो ये भी दोनों ही चीज़ें बजा लेते हैं, यानी कि दोस्तों ये चारों ही लोग ऐसे हैं जो कि दो दो वाद्य यंत्र बजा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका दिया गया यहाँ पर 765, अगली सीरीज है 642, 519, 396, 273। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का, जैसे कि दे रखा है 765 और 642, तो अंतर घटाएंगे, देखिए 3 2 और 1, 123 का अंतर आ रहा है, तो आपको 123 का अंतर चल रहा है आपका इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो अगला वाला भी 123 का आप लोग का अंतर क्या आएगा, 3 में 3 गया 0, 7 में 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, तो 150 आंसर आप लोग का आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट होगा। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, बच्चे कभी कभी जो है शरारत करते हैं, ठीक है, माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों पर चीखती हैं, सभी माताएं है पागल हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत दे रखा है, बच्चे अपनी माताओं के चीखने के कारण शरारती होते हैं। तो ये तो दोस्तों यहाँ पर निष्कर्ष में बात जो बताई जा रही है वो वितरण में नहीं दे रखी है, यानी कि दोनों के दोनों ही पॉइंट उससे संबंधित नहीं है, इसलिए दोस्तों आप लोग कहेंगे कि फर्स्ट व सेकेंड निष्कर्ष का अनुगमन नहीं करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस रीजनिंग के क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट मैथ्स की क्लास में, और इसके बाद ये पेपर खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम लोग नया पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।